बहुचर्चित वेबसाइट न्यूज पोर्टल कोबरा पोस्ट द्वारा यह दावा किया गया है कि माल्या और नीरव से भी बड़ा है DHFL का फर्जीवाड़ा। वेब पोर्टल कोबरा पोस्ट द्वारा एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि NBFC के प्रमोटर्स ने शेल कंपनियों के जरिए 31,000 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया है। एक रिपोर्ट में दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्रमोटर्स द्वारा हजारों करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा करने का दावा किया गया है। रिपोर्ट की माने तो NBFC के मालिकों ने फर्जी कंपनियों के जरिए 31,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया। रिपोर्ट के सार्वजनिक होते ही NBFC के शेयर में 8% तक की गिरावट दर्ज की गई। बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने DHFL को बेहद सख्त प्रावधान किए हैं, इसको लेकर सरकार की ओर से भी नियमों में ढील देने का दबाव डाला जा रहा है। पोस्ट ने यह भी खुलासा किया है कि DHFL के प्रमोटर्स ने फर्जी कंपनियों के जरिए हजारों करोड़ रुपए का चूना लगाया है। कोबरा पोस्ट की रिपोर्ट में कंपनी के प्रमोटर्स पर इस राशि से निजी संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया है। इसके अनुसार DHFL ने पहले शेल कंपनियों को कर्जा दिया और बाद में यह राशि वापस फाइनेंस कंपनी के प्रमोटर्स के पास आ गई। दरअसल DHFL के प्रमोटर्स ही इन फर्जी कंपनियों के मालिकों में से हैं। इस तरह से DHFL फर्म ने 31,000 करोड़ का फर्जीवाड़ा किया है। बताया जाता है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के प्रमोटर्स ने इस राशि से भारत के अलावा दुबई, इंग्लैंड, मॉरिशस, श्रीलंका आदि देशों में प्रॉपर्टी खरीदी और कपिल बागवान, अरुणा बागवान और धीरज बागवान DHFL के प्रमोटर्स हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताजा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे।